नमस्कार फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जुगाड़ में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही शानदार इन्वर्टर। इस इन्वर्टर की खास बात यह है फ्रेंड कि यह 5 वोल्टेज पर भी वर्क करेगा और ये बहुत ही अच्छा काम करेगा 5 वोल्ट से 12 वोल्टेज पर। और फ्रेंड्स, ये 5 वोल्टेज पर हमारी ये CFL बल्ब आते हैं, जैसे कि 7 वाट 9 वाट उसको आसानी से जला देगा। तो फ्रेंड्स, यह बहुत ही अच्छा और सस्ता इन्वर्टर बनेगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें कोई ज़्यादा कंपोनेंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके लिए केवल ये आप देख रहे हैं, केवल ये 5 कंपोनेंट्स ही हमें चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कौन कौन से कंपोनेंट्स है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमें एक NE555 टाइमर IC की ज़रूरत पड़ेगी। एक यह इन्वर्टर इसी IC के बेस पर काम करेगा और इसके लिए हमें ये देखिए 2 104 PF के कैपेसिटर चाहिए और इसके लिए 2 रेसिस्टर चाहिए, एक 4.7K का और एक 150K का। और इसके लिए एक MOSFET की ज़रूरत पड़ेगी IRF 540। अगर आप IRF Z44 भी इसकी जगह काम में ले सकते हैं, या IRF 3205 आदि कोई भी MOSFET काम में ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं हमारे इस सर्किट को। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके सर्किट को पूरा करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, यह NE555 IC है और इसके इस ये वाला ये जो कट होता है ना IC के, इसके इस साइड से IC के नंबर पिनों को गिना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एक नंबर पिन है, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 और फिर यहाँ इसे नीचे से स्टार्ट होकर 5 6 7 8 पिन है। तो फ्रेंड्स, तो अभी हम इसको बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें IC के 2 नंबर और 6 नंबर को शॉर्ट करते हैं और IC के 4 नंबर और 8 नंबर को भी शॉर्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, पहले इन्हें शॉर्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, पहले 2 नंबर और IC के 6 नंबर को आपस में शॉर्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने IC के 2 नंबर और 6 नंबर को शॉर्ट कर दिया है। अब IC के 4 नंबर और 8 नंबर को भी शॉर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने IC के 4 नंबर और 8 नंबर को भी शॉर्ट कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अब फ्रेंड्स, IC के 1 और 2 नंबर पर 104 कैपेसिटर लगाएंगे। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। और फ्रेंड्स, अब ये लग गया है। इसके बाद में दूसरे कैपेसिटर को भी लगा लेते हैं। इसे IC के 1 नंबर और IC के 5 नंबर पर लगाना है। तो चलिए इसे भी लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको भी लगा लिया है। एक कैपेसिटर को हमने IC के 1 व 2 नंबर पर और दूसरे को पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 पर लगा लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे अब 2 रेसिस्टर और बाकी है, उन्हें भी लगा लेते हैं।
पहले 4.7 के वाले रेजिस्टर को लगाएंगे, उसको पिन नंबर 7 और 8 पर लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पिन नंबर 7 और 8 पर 4.7 के रेजिस्टर को लगाते हैं। तो ये देखिए, हमने 4.7 के को भी लगा लिया है। और अब 150 के पिन नंबर 6 और 7 पर लगाना है। तो ये देखिए, हमने 150 के को भी लगा लिया है। यह है हमारा सर्किट लगभग तैयार है। अब इसके कनेक्शन को कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पिन नंबर 4 पर हम पॉजिटिव लगाएंगे। तो ये देखिए, पिन नंबर 4 पर हमने पॉजिटिव का वायर लगा दिया है। पिन नंबर 1 पर नेगेटिव वायर लगाएंगे। अब साथ में ही मॉस्फेट को भी लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आईसी के 3 नंबर से मॉस्फेट के गेट को लगाना है। और इसके नेगेटिव को आईसी के सोर्स पॉइंट से कनेक्ट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा सर्किट बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़े से कंपोनेंट्स ही लगे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा इन्वर्टर बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसे आजमा कर देख लेते हैं कि ये कैसा वर्क करता है और कितने वोल्टेज से यह चालू होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ये ट्रांसफार्मर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 012 का ट्रांसफार्मर है, एक 5 एम्पियर का। तो हम इसको काम में लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर की एक सेकेंडरी वायर का एक हिस्सा मॉस्फेट के ड्रेन पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके वायर कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मॉस्फेट के बीच वाली पिन से ट्रांसफार्मर के एक सेकेंडरी वायर के एक वायर एक कनेक्शन को कनेक्ट कर लिया है। अब चलिए फ्रेंड्स, इसके दूसरे वायर को इस पॉजिटिव वायर से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके प्राइमरी, ये हमारी आउटपुट होगी एसी आउटपुट। तो इसे चलिए बल्ब से कनेक्ट कर लेते हैं। ये एक फिलिप्स का 7 वाट का बल्ब है, तो इसमें हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए अभी से बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बैटरी का नेगेटिव वायर और ट्रांसफार्मर के एक वायर में इसका पॉजिटिव वायर लगाएंगे। तो चलिए लगाकर देख लेते हैं। ये हमने 5 वोल्ट की एक बैटरी ली है। ये ब्रांड मैंने होममेड बनाई है, और मैंने इसका भी एक वीडियो बनाया है, आप
चाहे तो मेरे वीडियोज में देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसे इसकी वोल्टेज को नाप कर दिखा देता हूं आपको। ये देखिए फ्रेंड, 4.37 वोल्टेज की ये बैटरी है, पूरे 5 वोल्टेज की भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, अभी इसी बैटरी से हम इसे टेस्ट कर देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके नेगेटिव में ट्रिगर नेगेटिव वायर और फ्रेंड्स इसमें बैटरी का पॉजिटिव वायर लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये देख, हमारा बल्ब बहुत ही अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है, पूरे 4 वोल्टेज से ये हमारा बल्ब बहुत ही अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है फ्रेंड्स। और ये बहुत ही एक अच्छा इन्वर्टर है। ये फ्रेंड्स मैंने लगभग यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे हैं, लेकिन यह शायद पहला ऐसा वीडियो है जो 4.5 वोल्ट से बहुत ही अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है। ज़्यादातर वीडियोज में पूरे 12 वोल्टेज देने पर ऐसा ग्लो करता है। पर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।